हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर स्टॉक मंथन चैनल। कंपनी एनालिसिस में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे कंपनी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में। जैसा कि हमें अंदाजा है कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। नाउ फ्रॉम दिस वीडियो ऑनवर्ड्स हम इन तीनों को डीप में स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इनसे हमें यह आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कंपनी के बारे में उसका फाइनेंशियल डेटा पॉजिटिव इमेज दे रहा है या नेगेटिव। हर साल के एंड होने के बाद हर कंपनी को अपने शेयर होल्डर्स को एक डिटेल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एक रिपोर्ट के रूप में देनी होती है। इस इंपॉर्टेंट रिपोर्ट को बोलते हैं एनुअल रिपोर्ट। रिटेल इन्वेस्टर्स के पास जो भी इन्फॉर्मेशन होती है कंपनी के बिजनेस एंड परफॉर्मेंस के बारे में, उसमें एनुअल रिपोर्ट मेजर रोल प्ले करती है। एनुअल रिपोर्ट में बहुत सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक साथ मिल जाती है, जैसे कि मैनेजमेंट का एनालिसिस, फ्यूचर ग्रोथ प्लान्स पर कमेंट्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड नोट्स, बोथ स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के वगैरह वगैरह। अब कंपनी की एनुअल रिपोर्ट हमें कहाँ से मिल सकती है? कंपनी की वेबसाइट में इन्वेस्टर रिलेशन के पेज पर अक्सर एनुअल रिपोर्ट हमें मिल सकती है। एंड इसके अलावा और भी बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर हमें किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट सर्च करके मिल सकती है एंड हम उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट। इसके अलावा फाइनेंशियल डेटा की वेबसाइट जैसे कि moneycontrol.com, investing.com, screener.in, StockEdge जैसे और भी प्लेटफॉर्म्स पर। एनुअल रिपोर्ट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर की स्पीच का, जो शेयर होल्डर्स को डेडिकेट करते हैं कंपनी के परफॉर्मेंस एंड फ्यूचर आउटलुक के बारे में। किसी भी स्टॉक को एनालाइज करने के टाइम पर उसके लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट की चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर की स्पीच को पढ़ने के बाद में काफी चीजें क्लियर हो जाती है कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज कंपनी के पास अवेलेबल है इन कमिंग टाइम्स एंड उसका यूज करने के लिए कंपनी अपने स्ट्रेंथ्स को कैसे मजबूत कर रही है एंड वीकनेसेस को कैसे कम करने में लगी हुई है। एग्जाम्पल है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड एक ऐसे एरिया में इंक्रीज हो रही है जहां पर वो पहले सप्लाई नहीं करते थे, बट अब कंपनी ने इस बात को ध्यान में रख के एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एस्टेब्लिश करने के लिए डिसाइड किया है इन द नेक्स्ट वन ईयर, जहां से सप्लाई इजी होगी उस पर्टिकुलर एरिया में। ऐसे कई सारे सेट्स ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलने के चांसेस हैं अगर आप चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर की स्पीचेस को एटलीस्ट पूरा रीड कर लें एट द टाइम ऑफ सिलेक्टिंग एनी स्टॉक। एंड इवन इफ इंग्लिश रीडिंग कंफर्टेबल नहीं है तो गूगल ट्रांसलेट या चैट जीपीटी की मदद से स्पीच को हिंदी में ट्रांसलेट किया जा सकता है एंड पढ़ा जा सकता है। इन स्पीचेस के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है डायरेक्टर्स रिपोर्ट। कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के मेन एलिमेंट्स इन कंपैरिजन टू पास्ट इयर्स, मेजर कस्टमर ग्रुप्स या फिर मेजर मार्केट्स ऑफ सेलिंग, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स या डेवलपमेंट स्टेटस एंड फ्यूचर प्लान्स जैसी काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें से रिटेल इन्वेस्टर्स को मिल सकती है। तो कंपनी के प्रेजेंट ईयर के अचीवमेंट्स को पास्ट ईयर की रिपोर्ट से कंपेयर करके आइडिया लगा सकते हैं कि कंपनी की जो प्लानिंग थी लास्ट ईयर में इस ईयर को लेकर उसे कंपनी ने फुलफिल किया है। इसके बाद कंपनी के मैनेजमेंट में जो लोग हैं उनकी डिटेल्स जैसे कि क्वालिफिकेशन, सैलरी, इनकी कंपनी में शेयर होल्डिंग जैसी इन्फॉर्मेशन भी एनुअल रिपोर्ट से मिल जाती है। अब एग्जांपल है कि प्रॉफिट में अच्छा इंक्रीज देखने को नहीं मिला है बट सडनली मैनेजमेंट ने अपनी सैलरी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर ली है, लाइक 50-70% हाइक एटसेट्रा, तो ये एक ध्यान रखने वाली बात हो सकती है। फिर बात करें कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाले सेक्शन में, तो इसमें जनरल इन्फॉर्मेशन रहती है जैसे कि बोर्ड के मेंबर्स की डिटेल, AGM के रिकॉर्ड्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन की डिटेल एंड जितनी भी कमिटीज हैं उनकी डिटेल। ये सब तो नॉर्मल है बट ध्यान रखने वाली बात इसमें यह है कि कहीं कोई भी लीगल कंप्लायंसेस में कंपनी से डिफॉल्ट तो नहीं हुआ है एंड कितनी कंप्लेंट्स कंपनी को रिसीव हुई है शेयर होल्डर्स या किसी और से जिसका रिप्लाई सफिशियंटली कंपनी ने नहीं दिया है। अब इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की शुरुआत होती है इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट से। जैसा कि काफी लोगों को आइडिया है, किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिटेड होने चाहिए एंड उनकी रिपोर्ट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से पहले अटैच होती है। इसमें ऑडिटर का ओपिनियन होता है कि क्या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सही पिक्चर दे रही है या नहीं एंड इसके जस्ट बाद आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का टर्न, जिसमें है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कैश फ्लो की डिटेल्स। इन्हें हम डिटेल में समझेंगे आने वाले वीडियोस में, बिकॉज इन्हें समझना बहुत जरूरी होता है कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को समझने के लिए। पर इन तीनों स्टेटमेंट्स के अलावा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एक और इम्पोर्टेंट पोर्शन है एंड वो है नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब इसमें क्या होता है आइए समझते हैं। कंपनी की बैलेंस शीट में जो असेट्स एंड लाइबिलिटीज होती हैं एंड उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो रिवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस के फिगर्स होते हैं, उनके हर लाइन आइटम पर डिटेल में इन्फॉर्मेशन होती है नोट्स टू अकाउंट सेक्शन में। ऐसा कई बार होता है कि बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फेस देखकर उतना नहीं समझ में आता है जितना नोट्स टू अकाउंट्स देखकर आता है। जब भी इन दोनों स्टेटमेंट्स में किसी भी फिगर की डिटेल पता करनी हो तो नोट्स का सहारा लेना पड़ता है। एग्जाम्पल है कि कंपनी के असेट का फिगर तो बैलेंस शीट में मिल जाएगा, एक टोटल कंसोलिडेटेड फिगर, पर उसके अंदर लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, फर्नीचर कितना है, कंप्यूटर नेटवर्क का शेयर कितना है, उसकी डिटेल के लिए नोट्स में देखना पड़ेगा एंड उसी से आइडिया लगता है कि कंपनी का बिजनेस हैवी असेट मॉडल है या लाइट असेट मॉडल।
फिर रिवेन्यू फ्रॉम सेल्स का भी एग्जांपल लें तो इसमें और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जैसे कि कौन से प्रोडक्ट या सेगमेंट से मेजर रिवेन्यू कंपनी को हुआ है एंड कौन से प्रोडक्ट्स की सेल्स बहुत कम है, ऐसे इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए नोट्स को रिफर करना जरूरी है। आगे और भी डिटेल में बात करेंगे इन सब के बारे में, बस इतना मैसेज है इस पर्टिकुलर सेक्शन या वीडियो का कि एनुअल रिपोर्ट एक फाइनेंशियल एक्सरे की तरह काम करता है जिससे हम बखूबी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ का आइडिया लगा सकते हैं। वीडियो सही लगा है तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, एंड दूसरों को भी शेयर कीजिए जो इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड है। आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वन। कीप लर्निंग टू कीप अर्निंग।